History of African American। Hi everyone, welcome back to my channel। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन अमेरिकन की, जिन्हें काले अमेरिकन अथवा अफ्रीकी मूल के अमेरिकी के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका के वो नागरिक जिनकी पूर्ण अथवा आंशिक वंशावली उपसहारा अफ्रीका मूल की रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेवरी सिस्टम कि स्लेवरी है क्या। हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा भी है कि पहले जो था वो गुलाम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। तो जो भी गरीब देश थे वहाँ से गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है। और अगर गुलामों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो गुलाम खरीदे जाते थे वो अफ्रीका से खरीदे जाते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। और ये जो खरीदे जाते थे, ये खरीदे जाते थे आपके ब्रिटिशर्स या फिर स्पेनिश के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स और स्पेनिश इनको खरीदते थे वो इनको जो है वो भेज देते थे अमेरिका, जहाँ पे उनसे इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। इनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत दयनीय कंडीशन थी, इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये कौन है और कहाँ से आए। तो ये जो अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन हैं ये पश्चिम और मध्य अफ्रीकी वंश के हैं और वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं के भीतर गुलाम बनकर भेजे गए अश्वेत लोगों के वंशज हैं। यद्यपि कुछ अफ्रीकन कैरेबिया, मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिकी देशों और उनके वंश के अप्रवासी भी इसी पहचान से जाने जाते हैं। इनके इतिहास की बात करें तो यह 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जब अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका भेजा जाता था स्पेनिश और अंग्रेजी उपनिवेशों के गुलाम बनाकर। काले लोगों का गुलाम बनाकर रखना आज भी, या फिर बात करें कि जब अमेरिका अस्तित्व में आया था उसके बाद भी जारी रहा। ये परिस्थितियाँ पुनर्निर्माण, अश्वेत समुदाय का विकास, सैन्य संघर्षों में भागीदारी, नस्ली अलगाव का अंत और नागरिक अधिकार आंदोलन में बदली। 2008 में बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। इसके अलावा भी बहुत सारी हस्तियां इतिहास में अफ्रीकी अमेरिकन रहे, जैसे फेडरिक डगलस, हॉरिस टबमान, मार्टिन लूथर किंग, एडवर्ड ब्रूक, बुकर टी वॉशिंगटन एट्सेट्रा। आपने महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एक बात सुनी होगी कि जब वो अफ्रीका गए थे तो उनके साथ जो था वो ट्रेन में बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। और जब वो अफ्रीका में रहते थे तो वहाँ जो अफ्रीकन के साथ जो व्यवहार होता था, या फिर सिंपल भाषा में कहें कि जो काले लोगों के साथ व्यवहार होता था, उसे देखकर वो बहुत दुखी थे, क्योंकि जो गोरे थे वो बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे ब्लैक लोगों के साथ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है? आज भी लोग ऐसा करते हैं? काले गोरे का भेदभाव आज भी मौजूद है? ठीक है, तो अपने जो कमेंट हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि आपकी क्या राय है वर्तमान समय के बारे में, काले और गोरों के साथ जो व्यवहार किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।